be done. Be patient. ठीक है, तो केमिकल इक्वेशन बच्चे हम देखते हैं, तो एक केमिकल रिएक्शन विच रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल इक्वेशन, विच रिप्रेजेंटेड represented by a chemical equation. कि एक reaction which can by a chemical reaction, ठीक है, उसके बाद by the help of symbol of substance with also physical state. With also mention physical state. अब बच्चे देखो क्या कह रहे हैं इसके अंदर कि एक केमिकल रिएक्शन विच रिप्रेजेंटेड बाय एक केमिकल इक्वेशन, कि जिस केमिकल रिएक्शन को एक केमिकल इक्वेशन के द्वारा ही रिप्रेजेंट किया जाता है. रिप्रेजेंट से मतलब क्या बच्चे, देखो कि by the help of symbol or substance with also mentioned physical state, कि सिंबल के साथ साथ फिजिकल स्टेट भी रिप्रेजेंट करनी है. कि एक केमिकल रिएक्शन को हम दिखाएंगे उसके अंदर क्या बच्चे, उस रिएक्शन को बाय रिप्रेजेंट करेंगे सिंबल विद आल्सो मेंशन फिजिकल स्टेट, कि सिंबल के साथ फिजिकल स्टेट को भी शो करना है. वो कैसे है, देखो केमिकल रिएक्शन एग्जांपल ले लेते हैं बच्चे, 1.1 से ले लेते हैं, वही एग्जांपल ले लेते हैं बच्चे, कि क्या था मैग्नीशियम वाला हमें एग्जांपल दिया था, मैग्नीशियम प्लस ऑक्साइड का क्या बना था बच्चे, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना था. अब बच्चे को क्या कह रहा है कि मैं उसमें क्या कह रहा था एक्टिविटी 1.1 के अंदर, कि व्हेन मैग्नीशियम रिबन बर्न इन एयर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है. तो जब मैग्नीशियम, ये मैग्नीशियम है बच्चे, मैग्नीशियम को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं एमजी से. तो ये ही सिंबल है बच्चे कि मैग्नीशियम को एमजी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब हम सिंबल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसको, ठीक है. तो मैग्नीशियम का हो गया एमजी, और ऑक्सीजन को मतलब O2 से. उसके बाद क्या बना बच्चे हमारे पास, ये क्या था मैग्नीशियम, ये बच्चे ऑक्सीजन, और फाइनली क्या था मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है. तो मैंने क्या बताया था, फर्स्ट ऑफ ऑल कि मैग्नीशियम को जो हमें रिएक्शन दी होगी उसे क्या करना है, सिंबल से रिप्रेजेंट करना, एंड विद आल्सो मेंशन फिजिकल स्टेट. और फिजिकल स्टेट क्या होता है, फिजिकल स्टेट मैंने आपको बताई थी कि सॉलिड भी हो सकती है, लिक्विड भी हो सकती है, और गैस भी हो सकती है, ठीक है. अब मैग्नीशियम बच्चे, मैग्नीशियम किस में आता है, सॉलिड स्टेट में, इसमें सॉलिड स्टेट में. उसके बाद आता है ऑक्सीजन किस में आता है बच्चे, गैस स्टेट में, ठीक है. जो हमारे पास प्रोडक्ट बना वो किस में आएगा, सॉलिड में, क्योंकि मैग्नीशियम सॉलिड होता है, ठीक है. अब रही बात बच्चे बैलेंस की, अब क्या होगा बैलेंस, तो बैलेंस हमने देखा था कि ऑक्सीजन की 2 है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे तो ऑक्सीजन का 1 है, तो हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई करके बैलेंस कर दिया था, ठीक है. अगर मैग्नीशियम में 2 हो गया तो यहाँ पे भी हमें मैग्नीशियम से 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है. तो बच्चे ये क्या कह रहा था केमिकल इक्वेशन के अंदर, कि एक केमिकल रिएक्शन विच रिप्रेजेंटेड बाय ए केमिकल इक्वेशन बाय विद द हेल्प ऑफ ए सिंबल
ऑफ सब्सटेंस विद आल्सो मेंशन फिजिकल स्टेट। इस सिंबल के साथ साथ क्या बच्चे उसकी फिजिकल स्टेट को भी रिप्रेजेंट करेंगे हम, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। ठीक है बच्चे, गॉट इट। तो इसके बाद हमारा एक एग्जांपल और लेते हैं, पर हाँ सॉरी एक बात बता दूं आपको, जब क्या बच्चे कोई भी इक्वेशन है, कोई भी रिएक्शन है, जब तक वह बैलेंस ना होगी, जब तक वह बैलेंस ना हो उसे क्या बोलते हैं स्केलेटन केमिकल इक्वेशन। क्या बोलते हैं स्केलेटन केमिकल इक्वेशन। जो अनबैलेंस होती है बच्चे, अनबैलेंस होती है रिएक्शन, अनबैलेंस रिएक्शन होती है बच्चे, उसे क्या बोलते हैं स्केलेटन केमिकल इक्वेशन, स्केलेटन केमिकल इक्वेशन। ठीक है बच्चे, तो हमने क्या पढ़ा केमिकल इक्वेशन, ठीक है। और केमिकल इक्वेशन के बाद इसके बाद एक टॉपिक हो रहा है बच्चे, उससे बाद में बता दूं आपको हम कि हाउ डू बैलेंस ए केमिकल रिएक्शन, कि हम एक केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कैसे कर सकते हैं। अगर बच्चे एक सिंपल सी रिएक्शन है ना तो हम उसे इजीली कर लेंगे, अगर एक थोड़ी सी टर्म बड़ी आ जाती है या फिर लॉन्ग टर्म आ जाती है उसके रिएक्शन की, तो उसे हम कैसे देखते हैं। देखो हाउ डू बैलेंस ए केमिकल रिएक्शन, ठीक है जी। अब हाउ डू बैलेंस ए केमिकल रिएक्शन, हम एक एग्जांपल लेते हैं आयरन और वाटर का, कि जब आयरन जो Fe होता है बच्चे, आयरन को रिप्रेजेंट करते हैं Fe से, ठीक है। तो आयरन के अंदर बच्चे जब वाटर के मॉलिक्यूल डालेंगे या फिर आयरन जो है वाटर के संपर्क में आएगा, कॉन्टैक्ट में आएगा बच्चे, ठीक है, तो बने क्या, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा बच्चे, प्रोडक्ट होगा उसका Fe3O4 प्लस में हाइड्रोजन, ठीक है, Fe3O4 प्लस में क्या बनेगा बच्चे हाइड्रोजन बनेगा। अब मैंने क्या बताया आपको, अब इसको हमें केमिकल जो रिएक्शन दे रखी है इसको बैलेंस करने के लिए एक छोटा सा टेबल बना लो साइड में, एक छोटा सा टेबल बना लो इस केमिकल रिएक्शन को बच्चे बैलेंस करने के लिए एक छोटा सा टेबल बना लो, ठीक है। इसमें बच्चे एटम तीन है, हाइड्रोजन आयरन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है, एलिमेंट कौन कौन से हैं हाइड्रोजन ऑक्सीजन और आयरन, तो यहां पे रहेंगे बच्चे एलिमेंट, ठीक है, ये बच्चे रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट, ठीक है, ये एलिमेंट होते हैं, ये रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट। एलिमेंट कौन से बच्चे, ये एलिमेंट है हाइड्रोजन एलिमेंट है, ऑक्सीजन एलिमेंट है, ठीक है। और मैंने आपको बता दिया है कि रिएक्शन के लेफ्ट हैंड साइड होगा बच्चे वो क्या होगा रिएक्टेंट होगा, वो क्या होगा रिएक्टेंट, और जो प्रोडक्ट साइड जो राइट हैंड साइड होगा वो क्या होगा बच्चे वो क्या होगा प्रोडक्ट, ठीक है, व्हाट इट वो क्या होगा प्रोडक्ट होगा, ठीक है। अब हमने क्या बच्चे मैं क्या बताता हूं आपको, किसी टेबल बनाते हैं, उस टेबल के जरिए हम जो भी है इसको रिएक्शन दी हुई है इसको बैलेंस करेंगे या बैलेंस करना सीखेंगे, ठीक है। तो एलिमेंट कौन कौन से हैं, जो भी एलिमेंट दे रखे हैं उनको यहाँ पे लिख लो, एलिमेंट कौन कौन से हैं आयरन हो गया, हाइड्रोजन हो गया और ऑक्सीजन हो गया, ठीक है। अब तीन एलिमेंट है, अब जितने भी एलिमेंट है और उनकी जो बच्चे मानते जितने भी उनकी पोजिशन है या फिर जितने भी उनके एटम है एटम मॉलिक्यूल है वो लिख लेते हैं। हाइड्रोजन के कितने हैं, सॉरी आयरन कितने बच्चे लेफ्ट हैंड साइड में, आयरन के लेफ्ट हैंड साइड में 1 है, जिसका कुछ भी नहीं होता बच्चे वो क्या होता है 1, तो आयरन कितना हो गया बच्चे 1
ठीक है। उसी प्रकार आयरन का राइट हैंड साइड देखो, आयरन की राइट हैंड सॉरी प्रोडक्ट साइड में कितना हो गया, आयरन का प्रोडक्ट साइड में कितना बचे, थ्री है, कितना है, थ्री है। अब इसका देखना बच्चे हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन की कितनी है, टू, हाइड्रोजन की कितनी बची, टू है, और प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन कितनी है, तो मतलब ये तो बैलेंस है, ठीक है। अब बस कौन सा गया, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कितनी बच्चे, ऑक्सीजन की कितनी है, वन, वो भी लेफ्ट हैंड साइड में। अब हम बात करेंगे ऑक्सीजन की प्रोडक्ट साइड में, तो ऑक्सीजन की प्रोडक्ट साइड में कितनी बचे, फोर, कितनी है, फोर है, ठीक है। अब मैंने क्या कहा था, जो हमें ये टेबल दे रखी है बच्चे, जो ये टेबल दे रखी है, इसमें क्या बच्चे, जितने ही प्रोडक्ट साइड में है ना, उतने ही क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में होने चाहिए। तो बैलेंस से बच्चे ये बता, हमें ये पता चलता है कि जितने भी एलिमेंट लेफ्ट हैंड साइड में है, उतने ही किस साइड में होने चाहिए बच्चे, प्रोडक्ट साइड में होने चाहिए। तो अगर प्रोडक्ट थ्री है ना, तो लेफ्ट हैंड भी कितना होना चाहिए, थ्री होना चाहिए। अगर लेफ्ट हैंड भी कितना वन है ना, तो प्रोडक्ट भी कितना होना चाहिए, वन होना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम इसको हम मल्टीपल करेंगे थ्री से, क्योंकि हमें इसे थ्री बनाना है इस समय, तो थ्री बनाने के लिए क्या करेंगे बच्चे, इसको थ्री से क्या करेंगे, मल्टीपल, तो क्या बन गया बच्चे, थ्री। अब थ्री से मतलब कि आयरन को थ्री से मल्टीपल करेंगे, मतलब क्या बच्चे, इसको क्या करेंगे, थ्री से क्या करेंगे, मल्टीपल करेंगे। और इसको मल्टीपल करने से पहले बच्चे आपको बता दूँ, जो भी कुछ देर के एलिमेंट देर के आइटम देर के या मल्टीपल देर के, उसे क्या करना बच्चे, एक उसे ना क्लोज कर दो बैग के अंदर, उसी के अंदर लो, बैग के अंदर क्लोज कर लो, क्योंकि क्योंकि बच्चे हमें इसको क्या करना है, हमें इसको मल्टीपल करना है, जो ये एलिमेंट एटम देते हैं बच्चे, इसको हमने एलिमेंट को मल्टीपल करेंगे, तो मल्टीपल का मतलब क्या बच्चे, वो मल्टीपल होने से क्या होगा, बाद में मल्टीपल होगा, ठीक है। तो आयरन को हमने इससे मल्टीपल किया थ्री से, तो इसको बच्चे किसके करेंगे, इसको करेंगे थ्री से मल्टीपल, ठीक है, कर दिया, ये थ्री हो गया। अब देखो, अब हाइड्रोजन में कितना है, टू है, और प्रोडक्ट साइड में भी टू है, मतलब इसका बैलेंस है, इसको हम नीचे छेड़ते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं ऑक्सीजन की, अब हम बात करते हैं ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन की देखो बच्चे, ऑक्सीजन की वहां पर तो वन है या फिर फोर है, तो हमें क्या करना है, हमें ऑक्सीजन साइड में क्या करना है, इसको फोर करना पड़ेगा, रिएक्टेंट साइड में इसको फोर बनाना पड़ेगा हमें। तो फोर को बनाने के लिए क्या करेंगे बच्चे, फोर को बनाने के लिए हम इसके क्या करेंगे, फोर से क्या करेंगे, मल्टीपल करेंगे, ठीक है। हमने इसको क्या कर दिया, फोर से मल्टीपल कर दिया, इसको 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 क्या कर दिया, फोर से मल्टीपल कर दिया। लेकिन इसको फोर से मल्टीपल किया मतलब कि हाइड्रोजन को भी तो फोर से मल्टीपल किया, हाइड्रोजन को भी किया, तो हाइड्रोजन को बच्चे इसको टू से मल्टीपल किया, सॉरी फोर से, जब मैंने हाइड्रोजन को मल्टीपल किया तो कितना बन गया, एट बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे एट बन गया, तो यहाँ पे भी एट बनाना पड़ेगा हमारे, क्योंकि बैलेंस करना है, ठीक है। तो बच्चे याद रखो, यहाँ कितना है, टू है, यहाँ पे कितना हो गया, एट हो गया। अगर इसको हम फोर से मल्टीपल कर देते हैं तो ये क्या हो गया, बैलेंस हो गया, बैलेंस हो गया, ठीक है ना। तो बच्चे ये क्या है, ये टेबल बच्चे हमें जरूरत कब पड़ेगी इस टेबल की, जब क्या है, जब कोई लंबी इक्वेशन आ गई या लॉन्ग टर्म आ गई उस टाइम। लेकिन इसमें क्या ना बच्चे, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना, जितना ज्यादा अभ्यास करोगे ना, तो उतना ही जल्दी आपको क्या है, ये रिएक्शन क्या होगी, कंप्लीट हो जाएगी और बैलेंस करनी इजी हो जाएगी आपके लिए, ठीक है। तो एग्जाम्पल लेते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड का, कैल्शियम, जब कैल्शियम की कैल्शियम की रिएक्शन कराई है बच्चे ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। ये मैं आपको बता रहा हूँ विदाउट टेबल कैसे कर सकते हैं, मतलब विदाउट टेबल क्या है, अगर सिंपल सी इक्वेशन होगी तो वो तो विदाउट टेबल हो जाएगी, सिंपल सी इक्वेशन होगी ना बच्चे, वो तो विदाउट टेबल ही हो जाएगी आपसे, ठीक है। इसमें भी टेबल की जरूरत नहीं है, टेबल की जरूरत क्या है बच्चे, हमें सिर्फ समझने के लिए क्या है, इसको हमने क्या सिर्फ समझने के लिए क्या है, जब हम इसके क्या बच्चे प्रैक्टिस करेंगे ना, जब हम भरपूर प्रैक्टिस कर लेंगे इस चीज की, तो हमें क्या बच्चे टेबल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो हम अपना माइंड से क्या कर लेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो एक देखते हैं कैल्शियम की, जब हम ऑक्सीजन की रिएक्शन करते हैं तो प्रोडक्ट क्या बनता है बच्चे, कैल्शियम ऑक्साइड बनता है। लेकिन कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा बच्चे, यहाँ पे तो टू है और यहाँ पे क्या बच्चे, टू से मल्टीपल करना पड़ेगा, ठीक है। तो टू से ये बैलेंस हो गया, अब इसको टू से मल्टीपल किया तो कैल्शियम को भी टू से मल्टीपल कर देंगे, तो कैल्शियम को टू से मल्टीपल करेंगे तो बच्चे हमें क्या करेंगे, यहाँ पे टू से मल्टीपल कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या होगी, कैल्शियम ये रिएक्शन कंप्लीट होगी। रिएक्शन बच्चे क्या है, तब तक कंप्लीट नहीं होती जब तक बच्चे हम उसकी फिजिकल शेप नहीं लिख देते,
फिजिकल स्टेट भी तो लिखनी जरूरी है बच्चे। रिएक्शन लिखो, बैलेंस करो और उसकी फिजिकल स्टेट भी। अब फिजिकल स्टेट से क्या है बच्चे, फिजिकल स्टेट देखो क्या है कि आयरन क्या होता है, आयरन क्या होता है सॉलिड, क्या होता है सॉलिड, ठीक है, आयरन क्या होता है सॉलिड। वाटर क्या होते हैं, वाटर के मॉलिक्यूल लिक्विड में होते हैं, इसमें होते हैं लिक्विड में। अब ये आयरन हो गया बच्चे, अब ये बन गया बच्चे एक्वायरियन सोल्यूशन, तो मतलब तो ये गैस बन गया, ये गैस बन गया और जो आयरन क्या बच्चे वो क्या बन गया, ठीक है। तो उसी प्रकार बच्चे इसको देखो, इसको करेंगे तो ये क्या है सॉलिड स्टेट में, ये क्या है सॉलिड स्टेट में। ऑक्सीजन कौन सी स्टेट में, ऑक्सीजन होगा हमारा गैस स्टेट में होगा, ठीक है। और कैल्शियम ऑक्साइड क्या बन जाएगा सॉलिड बन जाएगा, सॉलिड बन जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार बच्चे ये क्या होगा सॉलिड, ठीक है। तो हमने क्या देखा, हमने देखा बच्चे कि हाउ टू बैलेंस ए केमिकल रिएक्शन, एक केमिकल रिएक्शन को बच्चे बैलेंस कैसे कर सकते हैं हम, ठीक है। तो बैलेंस करने के लिए बच्चे मैंने क्या बताया आपको, सबसे पहले एक रिएक्शन लिखो, रिएक्शन होने के बाद बच्चे उसे बैलेंस करो, बैलेंस करने के बाद उसे क्या करो उसकी फिजिकल स्टेट भी रिप्रेजेंट करो, ठीक है ना। तो फिजिकल स्टेट हमने लिख दी बच्चे इसकी और इसकी भी, ये कुछ दो एग्जांपल थे इसके, ठीक है। और मैंने बताया आपको टेबल, टेबल की जरूरत तब तक है बच्चे जब तक क्या बच्चे आपको गैस समझ में नहीं आ जाता, आपको जब समझ में आ जाएगा तो टेबल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखते हैं, इसके बाद देखते हैं बच्चे हम कि जो केमिकल जो ये रिएक्शन हुई बच्चे, केमिकल रिएक्शन इसकी जरूरत क्यों पड़ी बच्चे हमें, जो बैलेंस बैलेंस करने की जरूरत क्यों पड़ी, बैलेंस करने की जरूरत क्यों पड़ी हमें, इसके बाद हम देखते हैं कि why do we need a balanced chemical reaction, why do we need to balance chemical reaction, क्या देखना चाहिए कि why do we need chemical to balance chemical reaction, balance केमिकल बैलेंस केमिकल रिएक्शन, बैलेंस केमिकल रिएक्शन। हमने क्या है बच्चे कि व्हाई डू वी नीड बैलेंस केमिकल रिएक्शन, कि हमें केमिकल जो रिएक्शन है उसको बैलेंस करने की जरूरत क्यों पड़ी। तो बच्चे चैप्टर सॉरी क्लास 9 में हमने पढ़ा लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, एक लॉ पढ़ा था बच्चे में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ मास। इसमें क्या बताया गया था बच्चे, इसमें कहा गया था कि मैटर जो एक पदार्थ होता है जैसे मैटर पदार्थ कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, सो कैन नाइदर बी क्रिएटेड एंड नॉट बी डिस्ट्रॉयड एंड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, कहता है कि लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में क्या कहा गया था कि मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड एंड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, जो एक पदार्थ होता है बच्चे उसको ना ही तो हम क्या कर सकते हैं न्यू प्रोड्यूस कर सकते हैं क्रिएट कर सकते हैं और ना ही क्या कर सकते हैं उसे नष्ट कर सकते हैं मतलब डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या था, एक हमें जरूरत पड़ी इसके लिए केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए, तो हम
इससे क्या होता है, इससे क्या बचे, जितना ही रिएक्टेंट साइड में एलिमेंट होंगे उतने ही क्या होंगे प्रोडक्ट साइड में होंगे, कि नंबर ऑफ एलिमेंट इज रिएक्टेंट साइड एंड नंबर ऑफ एलिमेंट सेम इन प्रोडक्ट साइड, कि जितने ही नंबर ऑफ एलिमेंट रिएक्टेंट साइड में होंगे उतने ही नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होंगे बच्चे प्रोडक्ट साइड में होंगे, ठीक है। सो वी इसलिए हमें क्या बच्चे